Assalamu alaikum and good morning students. How are you all? Hope you all are fine and taking care of your health. Now, today I am going to explain you the third part of chapter number 19, that is Abdul in the garden. First two parts, I hope that you all have watched nicely. आपने उसको देखा होगा और आपको उसमें से जो भी मैंने explain किया वो आपको समझ में आया होगा. Now the third part is, now you all open page number 160. Here you can see there is one exercise is given to you. आपको एक exercise दी गई है. Look at the pictures below and find out which of these vegetables are roots. आपको देखिए pictures दी गई हैं और उसमें से आपको find out करना है कि कौन सी जो है वो pictures में कौन कौन सी root है. तो आप देख सकते हो जिस boxes में मैंने star बनाया है और उनके names लिखे हैं वो roots हैं जिनको हम खाते हैं और वो ground के अंदर होते हैं. So in the second picture you can see that is a carrot, CARROT, carrot. Then in the first line only last box में आप देख सकते हो उसको क्या बोलते हैं, root cabbage. उसमें मैंने star बनाया हुआ है and that is root cabbage, ROOT, root, CABBAGE, root cabbage. Now in the second line, first picture, radish. इसको हिंदी में क्या बोलते हैं आपको मालूम है ना, आप इसको सलाद में डाल के खाते हो, इट इज़ मूली, radish, RADISH. Now in the second line, fourth picture, that is beetroot, BEET, beet, ROOT, root, beetroot. ये भी हमारे को काय में यूज़ होता है, सलाद में हम यूज़ करते हैं और इससे हमारे बॉडी को क्या मिलता है, ब्लड हमारा बढ़ता है उसमें. सो दिस यू हैव टू राइट इन योर टेक्स्ट बुक ओनली, राइट द नेम्स. नाउ द नेक्स्ट टॉपिक इज़ अब्दुल हैज़ मोर क्वेश्चंस. अब्दुल के पास क्या हैं, बहुत सारे क्वेश्चंस हैं. किससे रिलेटेड है, अभी आप पिक्चर में देख सकते हो कि वॉल में से प्लांट निकला हुआ है, प्लांट वॉल के अंदर से निकल आया है. तब अब्दुल के पास उसके रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चंस हैं. नाउअडेज अब्दुल कीप्स थिंकिंग अबाउट ऑल काइंड्स ऑफ प्लांट्स दैट ही सीज. अब अब्दुल क्या करता है, क्या सोच रहा है, वो बहुत सोचता रहता है कि कौन कौन से, उसने जो अलग अलग प्लांट्स देखे ना, कुछ उसने सॉइल में देखे निकलते हुए, फिर अभी वो वॉल में से निकलता हुआ देख रहा है, तो वो उन सब के बारे में सोचता रहता है. अब्दुल सॉ अ प्लांट ग्रोइंग आउट ऑफ अ वॉल इन स्कूल, ही वंडर्ड. अब वो जब स्कूल गया तो उसने वहाँ पे क्या देखा कि जो स्कूल की जो वॉल थी, दीवार थी, उसमें से क्या निकल रहा था, एक प्लांट निकल के आया. अब वो वंडर्ड हो गया, मतलब उसको हैरानी हुई कि आज तक उसने प्लांट कहाँ देखे थे, गार्डन में देखे थे, फिर उसने घर के आसपास देखे थे, कहाँ पे देखे थे, ज़मीन में देखे थे, पर अभी वो फर्स्ट टाइम कहाँ देख रहा था प्लांट को, वॉल में देख रहा था. नाउ द फर्स्ट क्वेश्चन ही वॉज थिंकिंग, पहला क्वेश्चन उसके दिमाग में क्या आया, हाउ डीप मस्ट द रूट्स ऑफ दिस प्लांट बी गोइंग. अभी उसको ऐसा लगा कि इस प्लांट की जो रूट्स हैं वो कहाँ तक गई होंगी, तो इस प्लांट की रूट कहाँ तक गई, नीचे तक गई होंगी, बहुत नीचे तक, ग्राउंड तक, क्योंकि रूट्स को नीचे ग्राउंड में होना ज़रूरी होता है, तो उसकी रूट्स कहाँ तक हैं, नीचे ग्राउंड तक हैं. सेकेंड क्वेश्चन, हाउ डू द रूट्स गेट वाटर. अब रूट्स को वाटर कहाँ से मिल रहा है, किधर से मिल रहा है रूट्स को वाटर, उनको जो दीवार में, वॉल में जो मॉइस्चर होती है ना, कभी कभी हम दीवार के ऊपर पानी फेंक देते हैं तो उससे वॉल में क्या आ जाता है, मॉइस्चर आता है, पानी थोड़ा बहुत उसके अंदर रह जाता है, तो उनको उधर से मिलता है पानी. द थर्ड क्वेश्चन इज़ हाउ बिग विल दिस प्लांट ग्रो. अब ये प्लांट कितना बड़ा होगा, क्या ये प्लांट बड़ा होगा, आप सोच के देखो, फिर मुझे आंसर देना आप कमेंट बॉक्स में कि क्या प्लांट बड़ा होगा. नो, इट विल नॉट ग्रो लॉन्ग. व्हाई, बिकॉज उसको सारे न्यूट्रिशंस नहीं मिलेंगे, जो सॉइल के अंदर जो न्यूट्रिशंस होते हैं और जो उसको जगह होनी चाहिए बढ़ने के लिए, वो सारी जगह उसको नहीं मिलेगी, तो वो ज़्यादा लंबा नहीं होगा. व्हाट विल हैपन टू द वॉल. अब इस पेड़ के वॉल से निपने होने से वॉल को कुछ इफेक्ट होगा, येस इट विल इफेक्ट द वॉल. क्यों, क्योंकि वो वॉल के अंदर से निकल रहा है, तो वॉल क्या हो जाएगी, दीवार क्या होगी, वहाँ से क्रैक हो जाएगी, और पेड़ अगर ज़्यादा बड़ा होगा तो टूट भी सकती है. नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, कैन यू गिव द नेम ऑफ अ प्लांट इन द पिक्चर. अभी आप पिक्चर देख के अभी तक समझ तो गए होंगे कि इस प्लांट को कौन सा प्लांट बोलते हैं, ये कौन सा प्लांट है, दिस इज़ अ पीपल प्लांट. सो नाउ स्टूडेंट्स, नाउ यू हैव गॉट द आंसर. अब आपने भी कभी ऐसा कोई प्लांट देखा होगा जो उसमें से वॉल में से निकल रहा है, तो आप सोचते होगे कि ये कैसे बढ़ रहा है,
कहाँ से इसको पानी मिल रहा है, इसके रूट्स कहाँ पे हैं। सो होप नाउ यू ऑल हैव गॉट द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नाउ वी विल प्रोसीड फॉर द ऑन द नेक्स्ट पेज, दैट इज पेज नंबर 161। नाउ द व्हाट इज देयर, हैव यू एवर सीन अ प्लांट ग्रोइंग फ्रॉम अ क्रैक इन अ वॉल, वेयर वॉज इट, डिड यू हैव एनी क्वेश्चंस व्हेन यू सॉ इट। अभी आपने कभी कोई ऐसा प्लांट देखा है जो दीवार में से, वॉल में के क्रैक में से निकला हो? तो हमने देखे हैं, कहाँ पे देखा है आपने? मैंने अपनी ग्रैंड मदर के घर के पास देखा था। अब आपने कहाँ देखा है आप मुझे लिख के बता सकते हो। वेयर वो डिड यू हैव एनी क्वेश्चन, अभी उसके रिलेटेड आपके पास कोई क्वेश्चन होते हैं? बहुत सारे क्वेश्चन होते हैं हमारे पास में कि ये कहाँ से निकला होगा, ये कैसे आया यहाँ पे, तो वो पेड़ वहाँ पे कैसे आ जाता है? कभी कभी क्या होता है, जब वो दीवार बन रही होती है या कभी कोई कुछ खा के उसके जो सीड्स होते हैं, कोई भी फ्रूट का या प्लांट का कोई भी सीड उसमें गिर जाता है, तो वहाँ से वो प्लांट निकल के आ जाता है। नाउ द नेक्स्ट वन इज, व्हाट वे सम ऑफ योर क्वेश्चंस, आस्क एल्डर्स एंड फाइंड द आंसर, फाइंड आउट द नेम ऑफ द प्लांट यू सॉ। अभी आपका ये वॉल से जो प्लांट निकलता है उससे रिलेटेड आपके कोई क्वेश्चंस हैं, तो आपके यहाँ जो आपके दादा दादी हैं आप उनको पूछ सकते हो। एंड फाइंड आउट द नेम ऑफ द प्लांट, आप उस प्लांट का नाम लिख सकते हो। जैसे मैंने आपको बता सकती हूँ कि बेनियन ट्री कभी निकल आता है, कभी पीपल ट्री वॉल में से निकलता है, आपने जो देखा हो आप उसका नाम लिख सकते हो। नाउ अब्दुल सॉ अ ह्यूज ट्री दैट हैड फॉलन ऑन द रोड साइड, ही रिमेंबर्ड द नीम ट्री इन हिज कोर्टयार्ड, ही कुड सी सम ऑफ इट्स ब्रोकन रूट्स, अब्दुल थॉट। नाउ अब्दुल सॉ अ ह्यूज ट्री, अब्दुल ने क्या देखा, ह्यूज मतलब बहुत बड़ा ट्री देखा, कहाँ पे, रोड साइड पे वो गिरा हुआ था। कैसे गिरा होगा वो, अपने आप गिरा होगा? यस, क्योंकि जब बहुत बारिश होती है और बारिश के साथ में बहुत तेज़ हवा चलती है, तो हमने कई बार देखा है कि रोड के साइड में जो पेड़ होते हैं, बड़े पेड़ भी गिर जाते हैं। फिर उसको अब्दुल को क्या याद आया, उसको अपने घर का नीम ट्री याद आया, जब बारिश हो रही थी और बहुत तेज़ हवा चल रही थी और वो भाग के जब घर आ रहे थे तो उसके घर का जो नीम ट्री की ब्रांच थी वो टूट गई थी और उसके फादर को लगने से बच भी गए थे। ना उसने उसके रूट्स भी देखे, अब की बार उसने जो ट्री गिरा हुआ देखा उसने क्या देखा, उसके रूट्स भी दिख रहे थे। इन द पिक्चर यू कैन सी, पिक्चर में आप देख सकते हो जो ट्री फॉल हुआ है उसके रूट्स भी दिख रहे हैं। नाउ व्हाट इज थिंकिंग, अब उसके दिमाग में फिर क्या आया, वुड समवन हैव अपरूटेड सच अ बिग ट्री और वुड इट हैव फॉलन ऑन इट्स ओन। अब उसने क्या सोचा कि क्या किसी ने ये पेड़ निकाल दिया है, उखाड़ा है, या ये ट्री अपने आप गिर गया है? तो दोनों चीज़ हो सकती हैं, कोई उसको कट भी कर सकता है अपने किसी काम के लिए और वो हवा के साथ में गिर भी सकता है, वो पेड़ गिरा हुआ भी हो सकता है। नाउ यू कैन टेल हाउ ओल्ड वुड दिस ट्री बी, अभी जो हम पिक्चर में ट्री देख रहे हैं वो कितना पुराना हो सकता है, माइट बी 100 ईयर्स, माइट बी 80 ईयर्स, इतना पुराना वो होगा ही। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, अब्दुल ऑन सीइंग अ ट्री सराउंडेड बाई सीमेंटेड ग्राउंड थॉट दैट हाउ विल इट गेट रेन वाटर। अभी अब्दुल ने, आप पिक्चर में देख सकते हो कि अब्दुल ने ट्री देखा जो चारों तरफ से सीमेंटेड है, तो वो ऐसा सोच रहा है कि अब इस प्लांट को कैसे पानी मिलता होगा। तो आप देख सकते हो कि जो सीमेंटेड किया गया है, जो साइड में सीमेंटेड किया गया है, थोड़ा सा प्लेस छोड़ दिया गया है, पूरा सीमेंटेड नहीं किया, थोड़ा सा स्पेस रखा गया है ताकि वहाँ पे पानी जा सके, सो दैट ट्री कैन गेट द रेन वाटर। तो वहाँ पे मिट्टी दिख रही है, आप देख सकते हो प्लांट के आई साइड में, वहाँ पे पानी, रेन वाटर उसके अंदर जाता है। नाउ दिस वॉज द एंड ऑफ द पार्ट ट्री चैप्टर, होप यू ऑल हैव अंडरस्टैंड नाइसली। अभी अब इस चैप्टर में हमने क्या पढ़ा, डिफरेंट टाइप्स ऑफ रूट्स, कैसे अलग अलग रूट्स होती हैं, किस किस एरिया में हमें देखने को मिलती हैं, वो ह्यूज ट्रीज़ में भी होती हैं, स्मॉल ट्रीज़ में भी होती हैं, कुछ रूट्स को हम खाते हैं जिसकी हमने पिक्चर्स देखी हैं, मैंने आपको उसके नाम भी लिखवाए हैं। नाउ आई थिंक यू ऑल हैव अंडरस्टैंड दिस चैप्टर वेरी नाइसली। इफ़ यू आर हैविंग एनी क्वेरीज यू कैन आस्क मी इन द कमेंट बॉक्स, आई हैव आस्क्ड यू सम क्वेश्चंस ऑल्सो, सो इफ़ यू गेट द आंसर राइट दैट आंसर इन द कमेंट बॉक्स। हैव अ नाइस डे, थैंक यू।